हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, कल जो है सेकंड T20 इंटरनेशनल मैच वेस्टइंडीज और इंडिया के बीच खेला जाने वाला है। पहला मैच काफी कड़े मुकाबले में जो है इंडिया हार गया है, ये आपको मालूम ही है। तो हम आज जानेंगे पूरी पूरी डिटेल और सारी की सारी स्ट्रेटेजी, कैसे हम सेकंड T20 के लिए अपनी टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल फॉलो किया है तो उनको पता चला होगा कि जो जो खिलाड़ी प्रेडिक्टेड प्रदर्शन करने के लिए मैंने कहे थे, 90% खिलाड़ियों ने वैसा ही प्रदर्शन किया हुआ है। मैंने पहले ही कहा था वेस्टइंडीज हल्की नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि T20 फॉर्मेट में हल्की नहीं है वेस्टइंडीज। चलिए तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो क्रिकेट विद देवलोक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, क्योंकि मैं आपके लिए सिर्फ ये ड्रीम इलेवन के प्रेडिक्शंस और ये स्ट्रेटेजिकल डेटा ही लेके नहीं आता हूँ। मैं क्रिकेट के मैं आपके लिए ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें लेके आता हूँ जो कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनका जानना काफी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अपने स्क्रीन की तरफ जाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रोविडेंस स्टेडियम जॉर्ज टाउन गयाना में जो है दूसरा मैच खेला जाने वाला है कल शाम 6 तारीख को। आज 5 है और सारे ही के सारे मैच जो है वो 8 बजे से होने वाले हैं। ये डिटेल आपको मालूम है और ये पूरा का पूरा शेड्यूल है जो मैंने पहले भी आपको दिया है। यहाँ पे विनर मैंने दिखा दिया है कि पहले मैच में वेस्टइंडीज जीता हुआ है, तो 1-0 से सीरीज लीड कर रहा है। इसके बाद करंट फॉर्म देखें तो ये लास्ट वाला जो है वेस्टइंडीज जीता है और इंडिया यहाँ पे हारा हुआ है। तो जो लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं उन्हें मालूम है कि जो मैं लास्ट में लिखता हूँ वो लास्ट मैच ही होता है, मतलब लेटेस्ट वाला मैच होता है। तो ये 6 मैच की डिटेल हमने दे रखी है। 6 मैच में यहाँ पे वेस्टइंडीज 4 जीत रही है और इंडिया अपने सिर्फ 3 ही जीत रही है, तो वेस्टइंडीज पे थोड़ा सा एज है। इसके बाद हम देखते हैं सारे खिलाड़ियों की, अगर आप डिटेल देखते हैं वन बाई वन, तो पिछले मैच में आपने देखा होगा कि रोवन पावल जो इनके कप्तान, इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और वैसे भी इनके 59 मैच में 1020 रन के आसपास है, 24 का एवरेज है, 138 का इनका स्ट्राइक रेट है। तो ये T20 फॉर्मेट के अच्छे खिलाड़ी हैं। कायल मेयर्स पिछला मैच फ्लॉप रहे और बहुत बढ़िया प्रदर्शन T20 में इनका दिखता तो नहीं है, लेकिन ये एक यूजफुल प्लेयर है जो कभी भी आपको अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। 133 का स्ट्राइक रेट है, 3 अर्धशतक ये भी बना चुके हैं। जॉनसन चार्ल्स भी पिछले मैच में फ्लॉप रहे और मैंने प्रेडिक्ट किया था कि चार्ल्स शायद नहीं चलेंगे आज के मैच में, तो वो नहीं चले थे। ठीक है, और लेकिन खिलाड़ी अच्छे हैं ये भी, और 1 शतक भी ये जो है आपका लगा चुके हैं। तो इनको जरा ध्यान में रखिएगा, सेकंड मैच में अगर आपने लेना है तो इनको रखना चाहिए। रॉस्टन चेस को खिलाया नहीं था, हेटमायर ने कोई बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, हालांकि ये खिलाड़ी बहुत अच्छा है, मैं बार बार कहता हूँ, 4 अर्धशतक बना चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देखते हैं जेसन होल्डर, वाह ये तो मैन ऑफ द मैच रहे, 2 क्रूशियल विकेट इन्होंने निकाले। ठीक है, और कुछ 4-6 रन नॉट आउट भी रहे थे, तो ये तो आपकी टीम में हमेशा रहेंगे। T20 हो चाहे टेस्ट हो चाहे वनडे हो, अगर होल्डर खेल रहा है तो होल्डर को रखना पड़ता है। ठीक है, साई होप को पिछले बार ड्रॉप किया गया था, ठीक है, क्योंकि हमने चार्ल्स खिला दिया था, एक ही विकेट कीपर खेला है। इसके बाद अकील हुसैन ने 1 विकेट लिया था, कोई बहुत इफेक्टिव बॉलर नहीं लग रहे हैं ये जो है T20 के हिसाब से, लेकिन ये है कि ये अच्छे हिट भी कर लेते हैं ना, तो 44 नॉट आउट इनका जो है स्कोर भी है और 18 का बैटिंग एवरेज भी है, तो यूटिलिटी प्लेयर लोअर डाउन द ऑर्डर ये बन सकते हैं। अल्जारी जोसेफ पिछला मैच बिल्कुल फ्लॉप गया, लेकिन ऐसा नहीं कि ये अगला मैच फ्लॉप जाएगा, अगले मैच में अल्जारी जोसेफ अच्छे विकेट ले सकते हैं, तो अगले मैच में आप इसको जरूर रखेंगे। ब्रेंडन किंग देखिए, बहुत बड़ी पारी तो नहीं खेल रहा, लेकिन 25-30 रन बना रहा है और ये आपका जो है ड्रीम इलेवन के लिए पॉइंट दे जा रहा है। बाकी और अगर आप लेते हैं, कोई 0-1 पे निकल गया अलग बात है, लेकिन ब्रेंडन किंग जो है 20-25 पॉइंट दे ही जा रहा है अक्सर। ठीक है, तो इसको हालांकि बड़े स्कोर नहीं कर रहा है। ठीक, इसके बाद मकॉय, मैंने पहले भी कहा था कि पिछले बार मकॉय ने इसी दौरान अगस्त के दौरान T20 सीरीज में भारत के खिलाफ 6 विकेट चटकाए थे, ठीक है, या शायद 5 विकेट चटकाए थे, तो ये फिर चलेंगे और पिछले मैच में भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और ये बढ़िया T20 के बॉलर हैं और ये रखे जाएंगे जरूर, इस बार भी रखे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो विकेट होने वाला है वो तेज बॉलर को फेवर करने वाला है। ठीक है, निकोलस पूरन बहुत बड़ी पारी नहीं खेले, लेकिन एक उपयोगी बढ़िया पारी खेले तो ये आपकी टीम में रहेंगे, T20 के अच्छे खिलाड़ी है। और रोमारियो शेफर्ड के लिए मैंने पहले भी आपसे कहा है कि T20 की जब बात आएगी तो शेफर्ड जो है बहुत अच्छा स्टार है, विकेट लेता ही लेता है और अच्छे हिट भी लगाता है। तो इसका अगर रिकॉर्ड भी आप देखेंगे, 27 मैच में 290 रन है, 44 नॉट आउट इसका स्कोर है, ठीक है, और बैटिंग का एवरेज 48 का है, बॉलिंग का एवरेज जरूर थोड़ा सा हायर साइड है इसका, थोड़ा कम होना चाहिए था,
लेकिन फिर भी ये जो है आपका बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है। 31 पे 3 इसका बेस्ट है, तो रोमारियो अच्छी चॉइस है। उडियन स्मिथ खिलाया नहीं था और शेन थॉमस खिलाया नहीं था, तो ये शायद अगले मैच में भी नहीं खेलने वाले हैं। इसके बाद अगर आप देखें प्रदर्शन, तो लास्ट मैच में रोहन पावल हीरो 48 रन बनाए हैं, ठीक है। मायर्स ने 1 रन बनाया और ये बॉलिंग नहीं करी, तो ये फ्लॉप रहे पिछले टूर्नामेंट पिछले मैच में। जॉनसन जॉन्स फ्लॉप रहा, ठीक है, और रॉस्टर जेस को खिलाया नहीं था। हेटमायर फ्लॉप रहा। होल्डर ने 2 विकेट लिए और 6 नॉट आउट बनाए, यूटिलिटी प्लेयर है, ठीक है। होप को खिलाया नहीं था। तो इस पूरी पूरी लिस्ट में अगर आप देखें तो पावल और होल्डर अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखे थे पिछले मैच में। इसके बाद बॉस देखते हैं, अकील हुसैन बैटिंग नहीं करी थी लेकिन 1 विकेट चटकाया था। और अल्जारी जोसेफ बिल्कुल फ्लॉप रहा था, बैटिंग इसकी आई नहीं थी लेकिन विकेट भी नहीं मिला था। किंग ने यूटिलिटी अच्छे 28 रन बनाए थे, जिससे कि अच्छे पॉइंट ड्रीम 11 की टीम को मिले। मैकॉय ने 2 विकेट लिए, अच्छा खिलाड़ी है, हमेशा रखा जाएगा। पूरन ने 41 इंपॉर्टेंट रन बनाए और शेफर्ड ने आप देखिए 4 नॉट आउट के साथ साथ 2 विकेट भी लिए। ओडियन स्मिथ को खिलाया नहीं था, ये पहले ही पता है, ठीक है। ये रिकॉर्ड आप देखें, जरूर ध्यान रखें, ये काम आएंगे आपके। भारत की बात करते हैं तो हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे खिलाड़ी है, पिछले मैच में 1 विकेट भी लिया है, ठीक ठाक खिलाड़ी है, तो ये रखे जाएंगे, बढ़िया खिलाड़ी है, ठीक है। स्काई तो सुपरस्टार है, ये हमेशा रखे जाएंगे। इनका रिकॉर्ड और एवरेज वगैरह सब देख लीजिए, स्ट्राइक रेट वगैरह, 3 शतक भी लगा चुके हैं, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, तो इनको तो रखना पड़ेगा। स्टैट एक नजर में देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है स्टैट में समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि स्टैट बताने में समय वेस्ट हो रहा है, यही स्टैट जिताते हैं आपको। टीम अगर बना के कोई दे दे वो नहीं जिताती है, आपका स्टैट और स्टैट को सही तरीके से अप्लाई करना ही आपको जिताता है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। और ईशान किशन पिछला मैच फ्लॉप रहे हैं बिल्कुल है, लेकिन ये अच्छे खिलाड़ी है, टॉप ऑफ द ऑर्डर आते हैं। अच्छा, लेकिन ये बता दूं कि मैं अगले मैच में भी किशान और गिल का चलना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो आपका तेज विकेट होने वाला है, तो शुरू में शायद विकेट निकलेंगे वहां पर, तो ईशान और किशन में से ड्रॉप कर सकते हैं आप अगली टीम में। अक्षर पटेल बहुत जबरदस्त T20 का खिलाड़ी है, 41 मैचेस की 40 पारियों में 301 रन और 37 विकेट है, 65 इसका हाईएस्ट है, और इसका बैटिंग एवरेज 21 का है, बॉलिंग एवरेज भी इसका 25 का है, बढ़िया खिलाड़ी, स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त, 1.50 भी है, तो ये रहेगा अगले, खिलाएंगे तो ये अगली टीम में भी रहेगा आपकी, ठीक है। गिल है, ठीक है, फ्लॉप रहे लेकिन यंग प्लेयर है, तो आप देख लीजिए किस तरीके से परफॉर्म करता है। वैसे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद फिलहाल नहीं लग रही है अगले मैच में। तिलक ने आते ही साबित किया कि मुंबई इंडियंस के लिए जो मैं कर रहा था वो महज एक तुक्का नहीं है, मैं हर जगह इस तरीके की चीजें खेल कर सकता हूं। और आप देखिए 39 रन इसने पहले ही अपने मैच में बनाए हैं, वो भी हायर स्ट्राइक रेट के साथ। और अर्शदीप सिंह ने बाद में मैच के बाद ये कहा भी है कि आने वाले समय में तिलक वर्मा भारत को बहुत सारे मैच जिताने वाला है, और ऐसा मुझे भी लगता है, वाकई बहुत बढ़िया खेल रहा है, ठीक है। अर्शदीप सिंह वाह, लेफ्ट आर्म फास्ट है, आपको मालूम है 2 विकेट इनने पिछले बार भी लिए, 17 का एवरेज है, तो ये भी टीम में रहेंगे रहेंगे, क्योंकि विकेट वैसे भी आपका है, फास्ट बॉलर फ्रेंडली होने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, ओवेश खान खिलाया नहीं था, चहल ने बढ़िया गेंदबाजी करी थी और चहल ने फिर मेयर्स को खा दिया था। ये वाला बात जरूर मैंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा कि चहल अगर मेयर्स को खा जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मेयर तब तक काफी रन बना जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6 बॉल में कुछ बना ही नहीं पाए थे वो, 7वीं बॉल में आउट ही हो गए, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन रहा। चाहल खिलाएंगे तो फिर मेयर्स को देख लीजिए कि साइड करना है या नहीं करना है, ठीक है, नहीं खिलाएंगे। वैसे जयसवाल को खिलाया नहीं था, तो जयसवाल को शायद आगे भी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। कुलदीप ने ठीक ठाक बॉलिंग करी थी, कुलदीप वैसे भी बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, ये रखा जाएगा। राइट आर्म मीडियम मुकेश कुमार है, पिछले मैच में नहीं चले, कोई विकेट इनको नहीं मिला था, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि अगले मैच में ये विकेट ले लें तो रखा जा सकता है। संजू सैमसन चलिए बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन फिर भी रखा जाएगा, क्योंकि बीच में खिलाड़ी कर सकता है, तो वेरिएशंस पे कॉम्बिनेशंस पे रख सकते हैं आप। उमरान को मौका फिर मिलने की उम्मीद नहीं है, ठीक है, और हो सकता है भी मुकेश की जगह खिला भी लें, क्योंकि तेज बॉलर को जो है विकेट सपोर्ट करने वाला है। लास्ट प्रदर्शन देख ले, हार्दिक पांड्या 19 रन 1 विकेट, ड्रीम इलेवन के हिसाब से अच्छा प्रेडिक्शन है, लेकिन इंडिया के अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन टीम इंडिया को जिताने के लिए काफी नहीं रहा, ठीक है। स्काई ने 21 रन बनाए, बहुत ज्यादा नहीं है स्काई के स्टैंडर्ड से, लेकिन फिर भी आप देखिए 21 रन काफी तेज इसने बना दिए थे, तो अगले मैच में भी बनाएगा। किशन फ्लॉप रहे हैं और हो सकता है अगले मैच में भी किशन फ्लॉप रहे, ठीक है। अक्षर पटेल ने 13 रन बनाए लेकिन विकेट ये नहीं ले पाए, अगले में विकेट ले सकते हैं, क्योंकि बाद बाद में विकेट स्लो हो सकता है, ठीक है, और बाद में विकेट स्लो होगा तो स्पिनर को हेल्प मिलेगी, ऐसा पिच रिपोर्ट के बारे में है, अभी देखते हैं पिच रिपोर्ट क्या है। गिल ने 3 बनाए, आगे फिर मुझे उम्मीद थोड़ी कम ही लग रही है गिल से भी, ठीक है।
तिलक वर्मा ने 39 बनाए हैं, तो तिलक वर्मा फिर रन बना सकता है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं। अर्शदीप सिंह ने बढ़िया प्रदर्शन किया था, 12 रन बना के 2 विकेट लिए थे, ठीक है इसको आप ध्यान देंगे। इसके बाद ओवेश खान खिलाया नहीं था, चहल ने 2 विकेट लिए थे, बहुत बढ़िया। जायसवाल खिलाया नहीं था, कुलदीप ने 1 विकेट लिया था, मुकेश कोई विकेट नहीं ले पाए थे, विस्मयी ड्रॉप थे। संजू 12 रन बना पाए, बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए, मौका नहीं बना पाए, इमरान को खिलाया नहीं था, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये जो है आपका कॉम्बिनेशन है, चहल जो है आपका ये मेयर्स को 6 बॉल में 3 बार आउट कर चुका है और रन भी नहीं दिए, तो ये फिर से कहीं इस पे अटैक ना कर दे, तो कहीं पे अगर आप चहल को कैप्टन वगैरह बनाते हैं तो इसको हटा दीजिएगा मेयर्स को अपनी टीम से, मतलब एक तरीका है ऐसा करने का, ठीक है। बाकी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इसमें नजर नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद हाँ पिच रिपोर्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पिच के बारे में जाने कैसी पिच है। तो सबसे पहली बात देखें, ये जो पिच है ये फास्ट बॉलर फ्रेंडली रहने वाली है, तो फास्ट बॉलर फ्रेंडली रहने का मतलब है आपके हार्दिक भी खेलेंगे, आपके अर्शदीप भी खेलेंगे, आपका मुकेश या उमरान जो खिलाएगा वो भी खेलेगा, वहां से होल्डर भी रहेंगे, मकॉय भी रहेंगे और अलजारी जोसेफ भी रहेंगे, तो 6 तो बॉलर ही चलेंगे ऑलराउंडर और बॉलर का सेक्शन मिलाकर, ठीक है। बैटर बैटर कम रहेंगे उसमें, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर देखिए काफी लो है, 123 ही है एवरेज इनिंग स्कोर, मतलब रन भी यहां ज्यादा बनते नहीं है। स्पिनर विल कम इनटू द प्ले लेटर व्हेन द विकेट विल बिकम स्लो, मतलब बाद में ऐसा देखा गया यहाँ पे कि शुरू में तेज बॉलरों को मदद करता है और बाद में ये विकेट स्लो होने लगता है, और स्लो होने लगता है तो स्कोरिंग डिफिकल्ट हो जाती है, इसमें रन बनाना मुश्किल होता है और स्पिनर अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि भारत के पास बहुत क्वालिटी स्पिनर है, तो भारत के केस में आप एक बॉलर तेज को जैसे मुकेश कुमार को सेक्रीफाइस करके एक एक्स्ट्रा स्पिनर बढ़ा सकते हैं भारत के केस में। वेस्टइंडीज के पास तो उतने अच्छे स्पिनर है ही नहीं, तो उनके केस में ये वाली बात नहीं लगती है। सेकंड पॉइंट वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सर्दी वगैरह काफी लगी हुई है, मैंने पहले भी बताया था, तो आवाज शायद प्रॉपर नहीं आ रही है। यहाँ पे चेजिंग जो करती है टीम वो अक्सर जीती है, वो ज्यादा वही जीतती है, मतलब 28 बार चेज करने वाली जीती है और 21 बार बैटिंग फर्स्ट वाली जीती है, तो हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन पिछले मैचेस का अगर रिसेंट का देखें तो बैटिंग फर्स्ट ज्यादा जीतता है, ठीक है। मॉर्निंग शावर्स है, बाकी दिन आपका जो है खाली रहेगा बिल्कुल, कोई बारिश नहीं होगी और मैच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर जरूर 226 बना है इसमें, लेकिन लोएस्ट स्कोर भी आयरलैंड का 68 रन बना है, ठीक है। तो ये पिच रिपोर्ट है, इसको ध्यान में रखते हुए अपनी टीम को जरूर बनाए बॉस। इसके बाद ये कुछ लास्ट मैचेस के प्रदर्शन है, ये पिछले साल के हैं, तो ये मैंने पहले भी आपको दिखा चुका हूं। यहाँ पे आप देखिए पिछले बार क्या हुआ था कि ब्रायन लारा स्टेडियम जहां पे पिछला मैच हुआ है, तो पहला मैच पिछले साल भी वही हुआ था, वेस्ट इंडीज ने बॉलिंग ली थी टॉस जीतकर और वेस्ट इंडीज इस मैच को हार गई थी, भारत इसको 68 रन से जीत गया था, ठीक है। रोहित और स्काई ने अच्छे रन बनाए थे, अलजारी ने देखिए 2 विकेट लिए थे, अर्शदीप ने तब भी लिए थे, अश्विन इस बार है नहीं, विश्नोई खिलाए नहीं थे और ब्रूक्स इस बार है नहीं, पूरन ने तब भी रन बनाए थे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर वेस्ट इंडीज ने जीता और बॉलिंग करने का ऑप्शन लिया और यहाँ पे बस वेस्ट इंडीज जीत गई, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मैकॉय देखिए 6 विकेट खा गया था, ठीक है, वार्नर पार्क में 6 विकेट यहाँ पर ये खा गया था और इसने कमर तोड़ दी थी बल्लेबाजी की और फिर बाद में किंग के 68 रनों की मदद से आसानी से ये 5 विकेट से जीत गई थी। बॉलिंग भी इंडिया कोई बढ़िया नहीं कर पाई थी, सबने एक एक विकेट लिए हुए थे, दूसरे मैच में ये रहा था। ऐसे ही आपका तीसरा मैच है, इंडिया ने जीत के फिर बॉल किया था तो वेस्ट इंडीज को हरा दिया था, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने पहले 164 रन बनाए थे जिसमें मेयर्स ने 63 रन बनाए थे और यहाँ पे हार्दिक ने 1 विकेट लिया था, अर्शदीप ने 1 लिया था, भुवी इस बार है नहीं, स्काई मैन ऑफ द मैच रहे थे 76 के साथ, पंत ने इंपॉर्टेंट उपयोगी पारी 33 नॉट आउट की खेली थी लेकिन वो भी इस बार नहीं है, होल्डर ने 1 विकेट तब भी लिया था, इंडिया 7 विकेट से ये मैच जीत गई थी। ठीक ऐसा ही आप देखते हैं चौथे मैच में भी रहा था, चौथे मैच में वेस्ट इंडीज फिर टॉस जीता, हर बार इसने फिर बॉल करा और बॉल करा तो अब की बारी फिर हार गया, क्योंकि इंडिया ने ताबड़तोड़ जो है रन बनाए थे, यहाँ पर 191 का स्कोर खड़ा कर दिया था और सभी लोग जो है 30s में रन बना गए थे और 2 विकेट मैकॉय ने फिर लिए थे, अलजारी ने फिर लिए थे, मतलब अलजारी और मैकॉय फिर होने वाले हैं आपकी टीम में, ठीक है। और फिर यहाँ पे अक्षर पटेल 2 विकेट ले गया था और 3 विकेट ले गए थे अर्शदीप, ओवेश खान को जो पिछले बार मौका नहीं मिला ये मैन ऑफ द मैच रहा था 2 के साथ, तो हो सकता है अगले में मुकेश की जगह इसको ट्राई कर ले या उमरान को इसकी जगह ट्राई कर ले। इसके बाद ये आता है पांचवा मैच, मैन ऑफ द सीरीज अर्शदीप सिंह रहे थे अपनी बॉलिंग के दम पे, कहीं इस बार भी ऐसा ना करें क्योंकि 2 विकेट ले चुके हैं पहले,
ठीक है, यहां पे इंडिया ने जीत के बैट करके वेस्ट इंडीज की कमर तोड़ दी थी, 187 बना दिए थे, ठीक है। और जो खिलाड़ी खेल रहे थे जिन्होंने स्कोर किया था, वो इस बार है नहीं, ना अय्यर है ना हुडा है, सिर्फ आपके हार्दिक रहेंगे जो कि कप्तान है, वो हमेशा ही रहेंगे। और यहाँ पे होल्डर ने एक विकेट लिया था, स्मिथ को खिलाया था, लेकिन इस बार स्मिथ पिछले मैच में तो खेले नहीं थे। बिश्नोई इस बार वहां पर है नहीं, जो कि 4 विकेट पिछले बार लिए थे। अक्षर ने 3 विकेट के साथ मैन ऑफ द मैच लिया था, कुलदीप ने भी 3 विकेट लिए थे, स्पिन फ्रेंडली लॉर्डर हिल में रहा था, हालांकि लॉर्डर हिल में अभी मैच है नहीं। इसके बाद जो आप देखते हैं, लास्ट मैच की मैं बात कर रहा हूं, जो अभी पहला मैच हुआ है, वेस्ट इंडीज ने जीत के पहले बैट किया था और बैट करने के बाद उन्होंने 149 का स्कोर 6 विकेट में 149/6 इन्होंने बनाया था। पॉवेल 48, पूरन 41, किंग 28, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहे थे। अर्शदीप 2, चहल 2, कुलदीप 1, हार्दिक 1, सबने विकेट बांट लिए थे। मुकेश कुमार खाली हाथ गए थे, अक्षर पटेल खाली हाथ गए थे। तिलक ने जिताने की कोशिश करी थी लेकिन ये काफी नहीं रह पाया, लेकिन तिलक ने बहुत बढ़िया खेला। स्काई ने 21 रन बनाए थे, लेकिन शेफर्ड 2 विकेट, होल्डर 2 विकेट और मकाई 2 विकेट, तो सारे तेज बॉलरों ने विकेट लिए थे, मतलब ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस बार भी अकील ने भी एक लिया था, शायद मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन अकील हुसैन ने भी 1 विकेट लिया था, लेकिन 1 विकेट इस जगह नहीं थी शायद, इसलिए नहीं लिखा, लेकिन पता रहना चाहिए। तो बड़े क्लोज मुकाबले में 4 रन से वेस्ट इंडीज इस मैच को जीत गया था, ठीक है। अब देख सकते हैं जो लास्ट लाइनअप थी, इंडिया ने जो खिलाया था, किशन फ्लॉप, गिल फ्लॉप, स्काई ठीक ठाक, तिलक गुड, हार्दिक पांड्या ठीक ठाक, संजू फ्लॉप, अक्षर फ्लॉप बैटिंग से भी बॉल से भी, कुलदीप 1 विकेट ठीक ठाक प्रदर्शन, अर्शदीप 2 और 12 रन अच्छा प्रदर्शन, चहल 2 विकेट अच्छा प्रदर्शन, मुकेश कुमार बुरा प्रदर्शन। तो इंडिया के खिलाड़ी बहुत ज्यादा चले ही नहीं थे, तो यही लाइनअप होने वाली है। ऐसा हो सकता है कि मुकेश कुमार की जगह उमरान या ओवेश खान की एंट्री हो जाए, इसके अलावा कोई और चेंज मुझे इसमें देखने के लिए नहीं लग रहा है फिलहाल के केस में। अब क्या पता मैनेजमेंट चाहे तो भाई किशन को हटा के एक बार ट्राई कर ले जायसवाल को भी, हो सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा बहुत ज्यादा। इसके बाद आगे देखते हैं आप, वेस्ट इंडीज की जो लाइनअप रही थी, लगभग सभी फ्लॉप रहे थे, सिर्फ किंग ने टॉप ऑर्डर द ऑर्डर 28 रन का अच्छा योगदान किया था। मायर्स बुरी तरीके से फ्लॉप, चार्ल्स बुरी तरीके से फ्लॉप, सुपरस्टार वेस्ट इंडीज का पूरन अच्छा प्रदर्शन करके गया, मिडिल ऑर्डर ने बढ़िया काम किया, और रोबिन पावल ने 48 रन ताबड़तोड़ मैन ऑफ द मैच के बनाए, बढ़िया काम किया। हेटमायर फ्लॉप रहे, शेफर्ड सुपरस्टार 2 विकेट, होल्डर सुपरस्टार 2 विकेट, हुसैन 1 विकेट ठीक ठाक प्रदर्शन, जोजे फ्लॉप रहे लेकिन अगले में चलेंगे, मकवाए 2 विकेट। तो देखिए अगर आप मैन टू मैन भी कंपेयर करते हैं तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी ज्यादा चले पिछले मैच में, इसीलिए वेस्ट इंडीज जीती भी है, और वेस्ट इंडीज शायद विनिंग कॉम्बिनेशन में चेंज नहीं करेगी, वो यही खिलाड़ियों को खिलाने वाली है। लेकिन 1% हो सकता है कि चार्ल्स की जगह शाय होप को रख ले, हालांकि ये देखना पड़ेगा कि रखते हैं या नहीं रखते हैं, ठीक है बॉस। इसके बाद आगे देखते हैं, अच्छा ये कुछ टीम्स के कॉम्बिनेशन से जिनके साथ मैं जाने वाला हूं, आप देखें कि मैंने कैसे टीम बनाई है और इससे कुछ आइडिया ले लें, एग्जैक्टली कॉपी ना करें, मैं हर बार कहता हूं। इसके बाद आप देखिए जो मैंने जो टीम रखी है, देखिए बॉलर की भरमार है, चहल भी रख लिया, कुलदीप भी रख लिया, अर्शदीप भी रख लिया, ठीक हो गया, क्योंकि इंडिया की पावर स्पिनर है तो मैं स्पिनर को ही तरजीह दे रहा हूं, ठीक है। और तेज में अर्शदीप और हार्दिक दोनों आ गए, दोनों फास्ट बॉलर है। यहां से देखिए मैंने अल्जारी को वाइस कैप्टन बनाया क्योंकि मुझे लग रहा है अल्जारी चलेगा अगले मैच में, मैकॉय हमेशा रहेगा, शेफर्ड मैंने रखा ही है, होल्डर रखा हुआ है, बैटिंग मैंने इंडिया की स्ट्रॉन्ग कर ली है, इंडिया के सारे स्टार रख लिए हैं, और कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने सीवीसी जो है अर्शदीप सिंह और अल्जारी जोसेफ दोनों तेज बॉलरों को कर लिया है। तो आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि ऐसी लगभग टीम आप बना सकते हैं। दूसरे मैच में मैंने दूसरी टीम में मैंने सिर्फ क्या किया, किशन को ड्रॉप कर दिया और किशन की जगह मैं वेस्ट इंडीज का सुपरस्टार पूरन लाके उसको वाइस कैप्टन बना दिया और स्काई को कैप्टन बना दिया। गिल मैंने यहाँ पे फिर इंट्रोड्यूस कर दिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्मा को हटाया है, हालांकि वर्मा हटा लीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पे मायर्स को ऐड किया है, होल्डर को ऐड किया है। इंडिया की बॉलिंग में कोई मैंने चेंज नहीं किया है, यहां से मैंने फिर जो है अल्जारी को हटा दिया है, तो ये लेकिन अभी भी आप देखिए कि ऑलराउंडर और बॉलर्स मिला के ज्यादा मेरे यही हो रहे हैं, तो मैं इसी पे स्टिक करने वाला हूं। लास्ट जो मेरी टीम कॉम्बिनेशन है, सूर्य कुमार यादव स्काई को मैंने कप्तान बनाया है, चहल को मैंने वाइस कैप्टन बनाया है, अभी भी मैंने बॉलर फ्रेंडली विकेट ही रखा हुआ है, यहाँ सारा का सारा टीम बॉलर फ्रेंडली है, ठीक है। तो एक जस्ट ये आइडिया है बनाने के लिए, सारे स्टैट को अच्छी तरीके से मनन करिए, सोचिए और लगाइए, हो सकता है कि आपकी किस्मत खुल जाए और आपको ग्रैंड लीग लग जाए, ठीक है। मैं तो चाहूंगा मेरी कभी ना लगी, लेकिन आपकी जरूर लग जाए क्योंकि आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, तो मेरी वजह से शायद कुछ आपको आइडिया मिल जाए तो उससे आपका फायदा हो जाए।
लेकिन बार बार मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि जो ये भी जितनी भी ये गेमिंग इंडस्ट्रीज के गेम्स हैं, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, पैसा बांटने के लिए नहीं बैठे हैं। जीतने वालों की संख्या इसमें कम होती है, तो अपना दिमाग लगा के अकल से खेलें, बहुत ज्यादा पैसा ना लगाएं, अपना मेहनत का पैसा एकदम से बर्बाद ना करें। इंजॉय के लिए 150 रुपए की बात बिल्कुल अलग है, लेकिन जो है बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं। और अगर आप ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, और आपको लग रहा है कि आप दान पुण्य भी खूब कर रहे हैं, थोड़ा इसमें भी लगा दे तो अच्छी बात है बॉस, लगाइए। लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करूंगा। वैसे भी सरकार इसके पीछे पड़ी गई है, 28% GST लगा दिया है, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि आने वाले समय में नंबर वैसे भी कम हो जाएगा खेलने वालों का। इस पर भी मैं कभी एक बहुत डिटेल वीडियो कवर करने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल नहीं दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि ये स्टैट आपको ये डेटा समझ में आया होगा बॉस। अगर ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पे नए हुए तो क्रिकेट विद देवलोक को सब्सक्राइब कर दीजिए। शॉर्ट वीडियोस जब मैं लेकर आता हूँ तो आपके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज उन शॉर्ट वीडियोस में लेकर आता हूँ, उनको देखिए। लॉन्ग वीडियोस में भी बहुत बढ़िया मैं वीडियोस आपके लिए कंटेंट लेके आ रहा हूँ, आपका सपोर्ट भी मुझे मिल रहा है। ठीक है बॉस, तो बेस्ट विशेस है टीम इंडिया के लिए और आपके लिए भी, जो लोग मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो वो भी जीते और इंडिया भी जीते। मैं आपको मिलता हूँ अगले अपने वीडियो में किसी एक अच्छे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।